हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधा, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ बहुत ही टेस्टी स्पॉन्जी ढोकले की रेसिपी। घर के बने हुए खट्टे मीठे ढोकले बहुत ही टेस्टी होते हैं, तो चलिए फटाफट देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स चाहिए। तो यहाँ मैंने एक बाउल बेसन लिया है, ये 100 ग्राम का। साथ में हमें चाहिए चीनी, साइट्रिक एसिड, आधा छोटा चम्मच सफ़ेद तिल, एक छोटा चम्मच राई, 2 पिंच हींग, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 8 से 10 करी पत्ते, 1 चम्मच जिंजर ग्रीन चिली का पेस्ट, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। यहाँ मैंने इनो फ्रूट सॉल्ट लिया है, आप मीठा सोडा भी ले सकते हैं, प्लेन नमक, और साथ में हमें चाहिए रिफाइंड ऑयल। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। बटर बनाने के लिए बड़ा सा बाउल लेंगे, यहाँ मैंने 2 चम्मच ली है, एक मीडियम साइज़ की और एक छोटे साइज़ की। तो यहाँ पे हम ये मीडियम साइज़ की चम्मच यूज़ करेंगे, नॉर्मल चम्मच है, सबके घर में इजीली अवेलेबल है। तो बाउल में हम डालेंगे 3 चम्मच चीनी, चम्मच को हमें बहुत फुल करके नहीं डालना है। अगर आप इसका वेट करेंगे तो ये मैंने 20 ग्राम चीनी ली है और 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने सेप्टिक एसिड ली है, ये देखिए। तो ये 2.5 यानी 2.5 ग्राम है और 1/4 चम्मच हम हल्दी डाल लेंगे इसमें। तो यहाँ मैंने एक बाउल पानी लिया है, इसमें हम 2 बड़े चम्मच पानी डालेंगे। ढोकला पकने के बाद अगर आपको ये शिकार रहती है कि इसमें रेड स्पॉट पड़ जाते हैं, तो आप हल्दी को इस प्रकार से पहले अच्छी तरह से घोल लीजिए। तो मैंने 1 से 1.5 मिनट इसे घोल लिया है। अब हम इसमें बेसन डाल लेंगे, हमें पहले बहुत ज़्यादा पानी डालकर नहीं फेंटना है, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे फेंटना है। तो इसमें हम 3 बड़े चम्मच पानी और डाल लेंगे, तो टोटल मैंने इसमें 5 बड़े चम्मच पानी अभी डाला है। इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे अच्छी तरह से फेंट लिया, इसमें कोई भी लम्स नहीं है। अब हम इसमें 2 पिंच हींग डालेंगे और 1 चम्मच जिंजर ग्रीन चिली का पेस्ट, इसी चम्मच से हम 5 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे। अगर आप इसका वेट करेंगे तो यहाँ मैंने 15 ग्राम रिफाइंड ऑयल लिया है। तो इसे हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। तो 1-2 मिनट मैंने इसे फेंट लिया है। अब इसमें हम 3 बड़े चम्मच पानी डालेंगे, तो टोटल मैंने यहाँ 8 बड़े चम्मच पानी लिया है। इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे, तो टोटल मैंने इसे 5 से 6 मिनट फेंट लिया है। अब इसमें हम 1/2 चम्मच ये नमक डाल लेंगे और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। बटर बहुत ना पतला होना चाहिए ना बहुत ही गाढ़ा। तो मैं आपको दिखा दूँ कि हमें इस कंसिस्टेंसी में रखना है बटर को। तो इतना बटर तैयार करने के लिए मैंने 1 बाउल पानी लिया था, 1/4 बाउल पानी हमारा बच गया है, यानी 3/4 बाउल पानी हमारा इसमें यूज़ हुआ है। पानी थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है क्योंकि ये घर का बना बेसन है। तो मैं इसे 20 मिनट के लिए रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं बना रही हूँ कटोरी ढोकला। इसके लिए मैंने यहाँ स्टील की 4 छोटे साइज़ की कटोरियाँ ली हैं, कोई भी ऐसी कटोरी जो नीचे से फ्लैट हो। तो मैंने यहाँ ये मसाला रखने की कटोरियाँ यूज़ की हैं, छोटे साइज़ की हैं। ढोकला दिखने में बहुत ही सुंदर लगेगा, तो सभी में ऑयल लगा कर ग्रीस कर लेंगे। तो ये ढोकले हम कढ़ाई में स्टीम करेंगे। तो इसमें हम डालेंगे 1.5 से 2 ग्लास पानी, स्टैंड ऑलरेडी रखा हुआ है। अब इसके ऊपर हम एक जाली रख देंगे, फ्लेम को हम लो रखेंगे और इसे कवर कर देंगे। चलिए देखते हैं, 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, ये काफ़ी गाढ़ा दिख रहा है। तो हम इस प्रकार से इसे अच्छी तरह से चला देंगे। अब हम इसमें डालेंगे इनो फ्रूट सॉल्ट, आप चाहें तो इसकी जगह बिना फ्लेवर वाला जो इनो फ्रूट सॉल्ट आता है उसे भी डाल सकते हैं, या इसकी जगह मीठा सोडा भी ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने ये 1/2 चम्मच इनो फ्रूट सॉल्ट लिया है। अब इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच पानी और इसे हल्के हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। हमें इसे बहुत देर तक नहीं मिक्स करना है। तो बटर हमारा अच्छी तरह से फ्लफी हो गया है। अब इसे हम सारी कटोरियों में फटाफट ट्रांसफर कर देंगे। फ्रेंड, अगर आप कटोरी ढोकला नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसे किसी बड़े साइज़ के बर्तन या टिन केक में भी ये ढोकला बना सकते हैं। तो मैंने इसे सारी कटोरियों में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब हम इसे स्टीम करने के लिए रख देंगे। फ्लेम को मैंने लो रखा है क्योंकि मैंने गैस का बड़ा वाला बर्नर यूज़ किया है, आप चाहें तो थोड़ा सा फ्लेम बढ़ा सकते हैं। अब इसे कवर कर देंगे 15 मिनट के लिए। हमें इसे बीच बीच में खोलकर बिल्कुल भी नहीं देखना है, 15 मिनट के बाद ही इसे हम चेक करेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, ढोकले हमारे अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और 1 मिनट के लिए इसे हम इसी प्रकार से रखा रहने देंगे। 1 मिनट हो चुके हैं, कवर को हम हटा देंगे और सारी कटोरियों को बाहर निकाल लेंगे। अगर फ्लेम ऑफ करने के बाद हम तुरंत कवर को हटाते हैं तो ढोकला हल्का सा बैठ जाता है, इसलिए हम 1 मिनट के बाद ही सारी ढोकले निकालेंगे। तो मैंने इन्हें रख दिया है ठंडा होने के लिए। चलिए अब हम तड़का तैयार करते हैं। तो पैन मैंने रख दिया, इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल, इसे अच्छे से हीट कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच राई, फ्लेम को यहाँ मैंने लो रखा है, जैसे राई चटकने लगेगी हम 1/2 चम्मच इसमें डालेंगे सफ़ेद तिल और ये बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और इसे कुछ सेकंड हम पका लेंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये करी लिप्स, इसे भी हम कुछ सेकंड पका लेंगे। अब इसमें डाल देंगे 1 बाउल हम पानी, तो ये 200 ml पानी है। फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे। अब इसमें डालेंगे 3 चम्मच चीनी, चम्मच को हमें बहुत फुल करके नहीं डालना है। 1/4 चम्मच हम इसमें नमक डाल लेंगे और 1/4 चम्मच ही साइट्रिक एसिड, और इसे 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर हम पका लेंगे, जिससे पानी में एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए सभी चीज़ों का।
तो यहाँ पानी को मैंने अच्छी तरह से पका लिया है। 2 से 3 मिनट अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे, इसे रख देंगे साइड में। तो ढोकले हमारे ठंडे हो चुके हैं, अभी पूरी तरह से नहीं ठंडे हुए हैं, अभी हल्के से गर्म है, तो चाकू की मदद से हम इसे साइड में लूज़ कर लेंगे, इस प्रकार से निकाल लेंगे। तो ये देखिए ढोकला कितना अच्छा बना है, बहुत ही स्पॉन्जी बना है। जब आप इसे इस प्रकार से प्रेस करते हैं आपको देखने में ही लग रहा होगा। तो फिर सारे ढोकले जो हम इसी प्रकार से निकाले थे बहुत ही ईजिली निकल आते हैं, क्योंकि ऑयल लगा हुआ है कटोरी में। तो इस प्रकार से मैंने ये सारे ढोकले निकाली हैं, उसकी जो ऊपर की लेयर है हम इसे हल्का सा निकाल लेंगे। इससे होगा क्या कि जो तड़के वाला हमने पानी तैयार किया है ढोकला उसे बहुत ही अच्छी तरह से अब्सॉर्ब कर लेगा। तो ये लेयर हम फेंकेंगे नहीं, इसे भी हम खाने में ही यूज़ कर लेंगे। तो चलिए मैं आपको एक ढोकला काट कर दिखाती हूँ कि ये कितना बढ़िया और जालीदार बना है। ये देखिए आपको इसकी जालियाँ दिख रही हैं और स्पॉन्जी तो ये बहुत ही ज़्यादा बना है। तो चलिए अब हम इसमें तड़का लगाते हैं। तो फ्रेंड्स तड़का लगाते समय इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि तड़के वाला पानी हल्का सा गर्म होना चाहिए और ढोकले भी हमारे गर्म ही होने चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा पानी करके हम इसमें सारा पानी डाल देंगे और 15-20 मिनट के लिए इसे हम साइड में रख देंगे। आप इसे इसी प्रकार से या ठंडा करके खा सकते हैं। फ्रेंड्स घर के बने हुए ढोकले खट्टे मीठे बहुत ही टेस्टी लगते हैं, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।